नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल नगर निगम बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने अपने प्रश्न के दौरान अधिकारियों को घेरा। पार्षद शीरिन खान ने निगम के पास कुल वाहनों की जानकारी, उनकी रिपेयरिंग में हुए खर्च और वाहन किन अधिकारियों के पास इस संबंध में प्रश्न पूछा। वहीं एमआईसी मेंबर राजेश हिंगुरानी ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने बीसीएलएल और दुकानों से जुड़ा प्रश्न पूछा, जिसका एमआईसी मेंबर मनोज राठौर ने जवाब दिया। गुड्डू चौहान ने तह बाजारी और पार्किंग से जुड़ा प्रश्न किया और सवाल उठाते हुए कहा कि भोपाल में पार्किंग फ्री होगी, इसके बाद भी अवैध वसूली हो रही है, जिसका जवाब एमआईसी मेंबर जगदीश यादव ने दिया और अवैध पार्किंग पर अंकुश लगाने का आश्वासन दिया। अवैध पार्किंग का मुद्दा भी पूरे बैठक में छाया रहा। नियम परिषद का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सम्मानित पार्षदों के प्रश्न उत्तर हुए हैं और दो स्थानों के नामकरण हुए। सफल परिषद की बैठक रही है और कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी यहाँ चर्चा हुई। न्यू मार्केट में अवैध पार्किंग की वसूली हो रही है, पार्किंग वसूलने वाला ठेकेदार लोगों से बदतमीजी कर रहा है, उस पर एफआईआर की जाए, इस प्रकार की मांग भी सदन के सभी दल तरफ के सदस्यों द्वारा की गई। तो आसंदी से इस बात के निर्देश दिए गए कि आम नागरिकों से बदसलूकी करने वाले ठेकेदार की निविदा को तत्काल निरस्त करते हुए उस व्यक्ति जिसने अभद्रता की है उसके खिलाफ एफआईआर की जाए, ऐसा निर्णय भी आज परिषद में हुआ है। सर, जो संकल्प पारित किए गए हैं, बताया जा रहा है जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका ये सीधा सीधा आरोप है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्ट पत्र बिना एमआईसी और बिना सदन में लाए हुए पारित कर दिया 524। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा है, मैं ये मानता हूँ कि नगर नियम के हमारे सभी आला अधिकारी सभी नियमों के पालन करते हुए सभी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे होंगे, क्योंकि इसमें निगम प्रशासन के अधिकारियों की जवाबदारी ज़्यादा बनती है। नियमों का पालन सुनिश्चित कराना उनकी जवाबदारी है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो नियमों का पालन कराते हुए सारी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे होंगे। कांग्रेस चर्चा से भागी है उल्टी। आप देखिए कि कांग्रेस के सारे सदस्य चर्चा करने की बजाय सदन का बहिष्कार करके चले गए। तो वो अगर ये कहें कि हम कोई चर्चा नहीं हो रही तो भागा कौन है? आप सब इसके गवाह हैं। सदन में हमारी सुन नहीं रहा, हमारी आवाज को दबाया जा रहा। सबसे ज्यादा हंगामा कांग्रेस ने किया है और कितना सुने। तो इसलिए कांग्रेस हंगामा करने की बजाय विषयांतर्गत हो जाती है, हमेशा ये देखने को मिलता है। सब्जेक्टिव रहिए, विषय पे रहिए और विषय पे बात करिए, ठीक से बात करिए। सदन चर्चा के लिए होता है, सार्थक चर्चा के लिए होता है। आपको पर्याप्त अवसर दिया जाता है चर्चा के लिए, सभी दल के सदस्यों को दिया जाता है, निर्दलीय सदस्यों को भी चर्चा के लिए अवसर दिया जाता है। कोई एक भी जनप्रतिनिधि कभी ये नहीं कह सकता है कि निगम परिषद में हमें अवसर नहीं मिलता है बोलने के लिए। सबको अवसर मिलता है, पर उस अवसर का सदुपयोग करना चाहिए, मेरा ये आग्रह विपक्ष के मित्रों से भी। बीजेपी के छुटभैया नेता, देखिए, जब हम प्रस्ताव भोपाल की जनता को सुविधा देने के लिए लाते हैं, चाहे हम बिंड का प्रोजेक्ट लाए हो, हमने नाले निर्माण के लिए लेकर आए प्रस्ताव, हम सड़क बनाने के लिए प्रस्ताव लेकर आए, किसी भी तरह के हम प्रस्ताव लाते हैं, विपक्ष केवल विरोध की ही भूमिका निभाता है। मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूँ कि भोपाल की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, आप जिस वार्ड से चुनकर आए हैं उस वार्ड में सुविधाएं देने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, ये हमें विचार करना पड़ेगा। हमारे विपक्ष के साथी केवल आरटीआई लगाकर जानकारी हासिल करते हैं, अधिकारियों पर दबाव बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष में से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी लाडली बहना योजना बनाई। मैं विपक्ष के साथियों से, पार्षदों से पूछना चाहती हूँ कि आपने जाकर अपने वार्ड की कितनी बहनों को लाडली बहना का फ़ायदा मिल सके, उसके लिए आपने कितनी बहनों के फार्म भरवाए। मैं पूछना चाहती हूँ, बारिश आने वाली है, नालों की सफाई चल रही है, मैं विपक्ष के पार्षदों से पूछना चाहती हूँ कितने पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने जाकर ये चिंता जाहिर की है कि यदि हमारे यहाँ नाले साफ नहीं हुए तो कहीं ना कहीं पानी का भराव होगा। गर्मी का मौसम है,
हमने पहले ही पानी की व्यवस्थाएं बना ली हैं, नालों की सफाई की व्यवस्थाएं बना ली हैं, और उसी का कारण है कि आज 21 मई हो गया है और हमारे पानी की व्यवस्थाओं को हम पहले बैठक करके अधिकारियों के साथ में और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके भोपाल की जनता को आज पानी देने में सक्षम है। कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है, और इसी तरह से आने वाली बारिश में भी हम व्यवस्थाएं बनाकर और भोपाल में कहीं पानी भराव की व्यवस्था ना हो पाए इसकी भी हम व्यवस्था बनाने का लेकर बहुत मुद्दा उठाए बीजेपी पर, हम लोगों को पता भी नहीं है और उनका टाइम अवधि पूरी हो चुकी है, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया तो किसके कहने पर कर दिया? भाई आप क्यों चोरी छुपे ऐसा काम कर रहे हैं? जब परिषद के अंदर अनुमोदन लेना कंपलसरी है, बजट होना कंपलसरी है, विधायक पार्षद की सहमति लेना कंपलसरी है, तो फिर आप ये चोर दरवाजे से क्यों कर रहे हैं? ये मैं आरोप नहीं लगा रही, ये बिल्कुल इन्होंने वो क्राइम किया है, ये बिल्कुल एथेंटिक है सारी बातें। ये हमारे पास 524 संकल्प की कॉपियां हैं, हमने आसन दी से अध्यक्ष जी को बताया कि ये संकल्प देखिए कैसे पारित हो गए, व्यवस्था दीजिए सारे संकल्प वापस परिषद के अंदर आए, और हम सभी क्षेत्र के लोगों को, हम सारे क्षेत्रीय पार्षदों को पता होना चाहिए कि ये संकल्प यहाँ से पारित किस चीज के लिए होकर गए। बताइए आप 9 करोड़ रुपए के अंदर भोपाल शहर का नगर निगम का मुख्यालय बनेगा क्या? ये 2 पार्टों में करेंगे, अभी 9 करोड़ लेकर आए राशि, उसका इन्होंने टेंडर कर दिया, अब फिर 9 करोड़ लाएंगे, फिर 9 करोड़ लाएंगे, तो इस तरह से ना जनता के सारे पैसे जनता पे तो खर्च नहीं हो रहे, अधिकारियों की जेबों में जा रहे हैं, और ये MIC ऐसा गलत काम क्यों कर रही है? ये एक बहुत बड़ा अपराध है, हम लोग बिल्कुल इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष जी ने अभी बोला है कि मुझे भी नहीं मालूम, मैं व्यवस्था देता हूँ, लेकिन हम लोग बहिष्कार करके आए हैं, अध्यक्ष जी को हमने कॉपी दे दी है, सारी चीजें उसमें लिख दी है, संकल्प कौन कौन से पारित हो चुके हैं और कितने करोड़ों के संकल्प है। अध्यक्ष जी आसंदी से बिल्कुल व्यवस्था दें तो हम उनकी बात पे राजी हो जाएंगे कि हाँ उन्होंने आसंदी से क्या विपक्ष की भूमिका, विपक्ष तो यही कह रहा है ना आपसे, अभी क्या बोला मैंने कि भाई आप सारे संकल्प को परिषद के अंदर रखिए। अध्यक्ष जी का कहना है उनको पावर है, तो पावर शर्तों के साथ है, लेकिन जो 194 करोड़ का हो गया वो कहाँ पावर था उनको? 28 करोड़ का हो गए, हाउस फॉर ऑल के 29 करोड़ के हो गए, 12 करोड़ के हो गए, उसका पावर तो नहीं था ना MIC मेंबर को, वो कैसे पास हो गए, वो क्यों परिषद के अंदर नहीं आए? नामकरण के लिए आप परिषद के अंदर ला रहे हैं, स्मार्ट सिटी इतनी बड़ी बनी उसका सारा खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।